अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और ये है जी नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे उठ के हमें मैंने और भाभी ने नाश्ता बनाया था, और हमने बनाए थे पराठे और साथ में एग फ्राई किए थे, और थोड़ा सा सालन वगैरह गर्म कर लिया था। फ्राइंग पैन्स नहीं थे, पॉट्स में ही बनाया। और हम पराठे जो है जब जाते हैं तो साथ में फ्रोज़न पराठे ले जाते हैं, तो फ्रोज़न पराठे ले गए थे हम 2 पैकेट, तो वही इनफ थे। और फिर रेडी वगैरह होके हम लोग निकल गए थे। हम लोग जब भी यहाँ से गुजरते ना, मुझे ये रोड इतने अच्छे लगते थे कि मैं हज़ारों वीडियोस बनाती थी मुझे बड़े अच्छे लगते थे। तो हम जा रहे थे, आज का हमारा प्लान था कि हम सारा दिन बीच पे गुजारेंगे। एक दिन पहले जो अदनान भाई साहब एंड पे बड़े परेशान हो गए थे कि बीच पे जाना है, बीच नहीं मिला, तो हमने सोचा कि आज का दिन हम सारा दिन बीच पे रहेंगे। तो बीच हम गए थे सेंट ईव्स। मतलब इतने साल हो गए लंदन में रहते हुए, अब जाके हमें पता चला जी मतलब कितना प्यारा और ख़ूबसूरत बीच इधर है, इधर कॉर्नवॉल में। नॉर्मली जो हम जितने भी आसपास इधर बीच पे गए हैं ना, सब पे सी वीड होती है या वैसे वो बहुत गंदा होता है, पर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी पानी इतना साफ़ सुथरा, इतना साफ़ सुथरा था क्या बताऊँ मैं आपको। नज़र आता है दूर से, जब मैं हम लोग जा रहे थे तो हमें लगा कि ये भी गंदा ही है, लेकिन जब पास जाकर देखा तो वो स्टोन्स थे सामने, लेकिन बहुत अच्छा और सैंडी बीच है एक्चुअली। जब अंदर की तरफ आप जाते हो बड़ा अच्छा लगता है। और ये रास्ते देखें आप जी, माशाल्लाह इतने व्यू अच्छे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ये देखें ज़बरदस्त। और सब ऐसा हिली एरिया है, ऊपर नीचे आते जाते बच्चे पीछे ऐसे आवाज़ें निकालते जैसे झूले पर बैठे हों, बहुत इंजॉय कर रहे थे, वो भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, हम भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। अच्छा जी, हम बीच पर पहुंच गए हैं और ये ऐसा लग रहा है कि मतलब गंदा गंदा सा लग रहा है दूर से, पर असल में जब आप जाते हो तो देखते हो ये स्टोन्स हैं, सी वीड नहीं है यहाँ पे। हो सकता है साइडों पे उधर जहाँ पे रॉक्स है ज़्यादा सारे उधर हो, लेकिन ये जो मिडल में एरिया है जहाँ से हम गए थे यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत ही साफ़ सुथरा था। और बहुत लोग आए हुए थे क्योंकि आज का वेदर जो था सनी था, बहुत अच्छा वेदर था। तो आपको तो पता है, अगर कोई यूके में रहता है उसको तो आइडिया होगा कि यूके में धूप निकलना मतलब ईद निकलना है, सब जो लोग जो हैं वो बीच पे भागते हैं। तो हमारा भी यही हाल था, हम भी बीच पे भाग गए तो सब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर रॉक्स पे कैमरा लेके और अरमान को उठा कर चलना मुश्किल हो रहा था, मैंने कैमरा बंद कर दिया था और वैसे ही गई थी मैं। और जी यहाँ पे ये सर्फिंग की क्लासेस हो रही थी, एक इंडिविजुअल क्लास हो रही थी और 2 पीछे ग्रुप क्लासेस हो रही थी।
और शाम को जब हम निकलने लगे थे तो वो यहाँ पे वो दूसरे एंड में रॉक साइड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया था, मतलब स्विमिंग करते या सर्फिंग करते हमें नहीं पता कैसे उसको कोई इंजर्ड हो गया था, तो फिर एयर एम्बुलेंस आई थी उसकी। उधर काफ़ी घंटे खेलने के बाद एंजॉय करने के बाद हम आ गए थे इधर मार्केट साइड में। इधर बहुत आके देखा काफ़ी ज़्यादा बोट्स भी थी, आप बोटिंग भी कर सकते हो यहाँ पे, और साथ में थी पुरानी सी मार्केट टाइप थी यहाँ पे। देखे रोड्स पे भी ईंटें लगी हुई हैं और रेस्टोरेंट्स वगैरह थे, शॉप्स थी यहाँ पे, बड़ा अच्छा सा यूनिक सा एरिया था। और फिर हम लोगों ने यहाँ से खाना खाया था। चलें जी, ये था आज का व्लॉग सी साइड पे, हमारा कैसा गुजरा था आज का दिन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस खूबसूरत से सनसेट के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं और मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।